नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी का 9वां महीना जैसे ही लगता है, आपको ये टेंशन होती है कि हमारा बच्चेदानी का मुंह समय से खुले गया नहीं, हमारा लेबर पेन आए गए नहीं, या हमारी डिलीवरी सही टाइम पर होगी या नहीं। ऐसे काफ़ी सारे सवाल होते हैं जो कि आपके मन में चलते रहते हैं। इसी टेंशन के कारण आपको लेबर पेन नहीं आता है और आपको नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी समय से हो पाती है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन भी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, प्रेगनेंसी का 9वां महीना जैसे ही लगता है, आपको हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए जिससे कि आपकी मसल्स होती है उसमें फ्लेक्सिबल बनता है, आपकी जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो खुलने में मदद करता है, साथ ही आपको कब्ज की एसिडिटी की दिक्कत नहीं होती है और आपका बच्चा हेड डाउन करे, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। इसलिए जैसे ही प्रेगनेंसी का 9वां महीना लग जाता है, आपको गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपको ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीना है, जिससे कि आपके बच्चे का हेड डाउन हो पाता है नीचे सिर की तरफ और उसका ऊपर पैर की तरफ हो जाता है, साथ ही आपका बच्चादानी खोलने में भी मदद करता है। दूसरा है, आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्म तासीन वाले चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हैं, आपको हल्दी वाला दूध पीना चाहिए और आपको सोने से पहले केसर वाले दूध का सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपके नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलती है और आपको प्रेगनेंसी में घर का बना लड्डू, जैसे अजवाइन का लड्डू, तिल का लड्डू, ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो कि आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको घी का भी सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपकी मसल्स में चिकनाहट आता है जो कि आपके बच्चे के हेड डाउन के लिए और आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्प करता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जितना ज़्यादा हो सके आपको गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो कि आपके नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। तीसरा है, आपको प्रेगनेंसी में वॉक तो करना ही है, अगर आप वो भी वॉक नहीं करते हैं तो आपको वॉक करना स्टार्ट कर देना है, जिससे कि आपके नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलती है, साथ ही आपका बच्चा भी हेड डाउन करता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में आपको 30 से 40 मिनट का वॉक ज़रूर करना चाहिए जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है, आपको सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना चाहिए जिससे कि भी आपको लेबर पेन समय से आ पाता है और आपका बच्चा भी हेड डाउन कर लेता है। जब भी आप सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हैं, आपको घर के एक मेंबर को अपने साथ रखना है और एंगल के जरिए आपको हल्के कदमों से ऊपर चढ़ना है और नीचे उतरना है। ऐसे प्रेगनेंसी में आपको 5 से 6 बार करना चाहिए जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। तो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आप जितना ज़्यादा अच्छे से एक्टिविटी करते हैं, जो काम आप खड़े होकर करते थे वो काम आप आराम से बैठ कर करते हैं, उकड़ू पोजीशन में एक्सरसाइज करते हैं जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में आपको ये सारी एक्टिविटी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों का भी सेवन करना चाहिए जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपको इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो लेकर, तब तक के लिए बी सेफ, बी केयरफुल।